दो बच्चों की वालदा हूँ और मेरा नाम फिरदौस फातमा है। मैं 5 साल से ना ये इवेंट प्लानिंग का काम कर रही थी। वैसे मैंने स्टार्टिंग जो है वो छोटे से कस्टमाइज मग से लिया था। जब मेरी सेपरेशन हो गई थी तब मैंने ये पहला स्टेप लिया था अपनी इवेंट प्लानिंग से। यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में जो ज़्यादातर इवेंट प्लानर्स होते हैं वो मर्द होते हैं, और मैं एक पहली इवेंट प्लानर थी जो एक लड़की थी जो अपने इवेंट्स खुद लेकर चल रही थी या बहुत कम जैसे बजट पे काम कर रही थी। पर्सनल ओपिनियन है वो मेरे पेरेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, भाई भाभी है, बहन बहनों, ये वो सारे बहुत सपोर्टिव हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान तलहा उस्मान के साथ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं आपकी खिदमत में एक बेहतरीन और एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। हमारे साथ मौजूद है फिरदौस फातिमा, इनसे जानते हैं इनकी कहानी। मैं आपको बताता चलूं कि ये बेसिकली है क्या। ये एक हाउस वाइफ है जिनके दो बच्चे हैं। इनकी 3 साल पहले इनके हस्बैंड के साथ सेपरेशन हुई है, जिस पर इन्होंने एक इवेंट प्लानर का काम शुरू किया, और ये एक इवेंट प्लानर के CEO हैं। ये बाइक राइडिंग भी करती हैं और बाइक राइडिंग के साथ साथ ये बाइक कटिंगें भी मारती हैं। चले, ये सब चीज़ें हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि किस तरह ये अपने बच्चों की कफालत कर रही हैं, किस तरह ये अपने घर के खर्चे उठा रही हैं, और किस तरह ये अपने काम को देख रही हैं। चले आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये बताया जैसे 5 साल पहले आपने काम स्टार्ट किया था, फिर 3 साल पहले आपकी सेपरेशन हुई है, फिर अभी आप अकेले लेके चल रही हैं, तो कितना मुश्किल है ये? मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके पाकिस्तानी सोसाइटी में, हमारे माशरे में। इवन मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, खोजा कम्युनिटी है, उसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि लोग बहुत डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मेरे पेरेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, भाई भाभी है, बहन बहनों, ये वो सारे बहुत सपोर्टिव हैं, और उन्होंने हमेशा मुझे पॉजिटिव वे में सपोर्ट किया, कभी कभी नेगेटिव वे में नहीं किया। और मैं खुद भी ये कहना चाहूँगी, इन पर्सनल तो कभी मैंने घर में अपने माँ बाप को शुक्रिया अदा नहीं किया इस चीज़ का, लेकिन कैमरे के सामने मैं अपने फादर को, मदर को बहुत अच्छा कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और मैं आज जिस मुकाम पर हूँ अपने माँ बाप की वजह से हूँ। मेरे फादर की दुआ थी और मेरे मदर का सपोर्ट था, मेहनत थी, इसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। अच्छा, जैसे कि देखने में ये आ रहा है कि आप आधी माँ और आधा बाप अपने बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं बच्चों को कैसा फील होता है कि जी आप ही से उनको माँ का प्यार मिल रहा है, आप ही से उनको बाप का भी प्यार मिल रहा है, फिर वो बच्चों की ख्वाहिशात, फिर उनकी फरमाइशें कैसे पूरी करती हैं? यार एक्चुअली बच्चे बहुत छोटे हैं और समझदार भी है, और बच्चा एक कोरा कागज़ है, आप इस पर जो भी लिखते जाओगे वो वही चीज़ को एक्सेप्ट करता जाएगा। तो ये है कि शुरू से बच्चे ने मुझे ही काम करते हुए देखा और उसको पता है कि ये, और वो अपने नाना के साथ रहते हैं तो वो ये फील करते हैं कि शायद नाना ही उनके फादर है। अच्छा, ये सब तो हो गया, अब मुझे आप अपने बच्चों के बारे में बताएं। माशाल्लाह बड़े क्यूट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, बेटे का नाम क्या है आपके? मेरे बेटे का नाम मैसम अब्बास है। कैसा है वो, है शरारती है या मतलब ऐसी गुमसुम? वो माशाल्लाह बहुत साबरीन और सुलझावा बच्चा है मेरा, और मामा की हर बात मान लेते, और वैसे भी बेटे जो है वो माओं के ज़्यादा लाडले होते हैं, तो वो मेरी बात सारी मान ही लेता है। मैं भी उसके लाड उठाती हूँ और वो भी मेरे लाड उठाते हैं। फिरदौस जी, मुझे ये बताएं कि किस तरह आप अपने इवेंट में जाती हैं, किस तरह कन्वेंस आप कर रही हैं? जिस तरह हमने देखा आपको जी रोड पे आप मोटरसाइकिल चलाती हुई दिखी हैं, फिर इसके अलावा टाइम पर पहुंचना, टाइम से वापस आना, तो जो बाइक आपने सीखी है ये कैसे सीखी है, खुद से सीखी है या फिर कहीं इसकी आपने क्लासेस ली है? एक्चुअली मैंने 1 साल पहले बाइक खरीदी थी और एक लेडी ट्रेनर है इमराना नाम की, उनसे मैंने ना बाकायदा 10 दिन की ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने मुझे प्रॉपर सिखाई थी। प्रॉपर सिखाने के बाद मैंने लर्निंग लाइसेंस बनाया था और फिर मैं रोड पर निकली थी ताकि मैं अपने आप का कॉन्फिडेंस चेक कर सकूँ। जो हुटिंग होती थी, हुटिंग में वो क्या इस्तेमाल, क्या हुटिंग मिलती थी आपको जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिली हो? सबसे ज़्यादा सीटियाँ ही मिलती थी लड़कों की। सीटियाँ? कौन सी सीटियाँ? मतलब नॉर्मली लोग मुंह से सीटियाँ सुना है आपने? हाँ, बाकायदा सुना है कि सीटियाँ ही मार रहे होते थे। आई बजाना, आई देना, आई सीटी? नहीं, बजाने नहीं आई। तो मतलब सिर्फ सीटियाँ होती, सिर्फ सीटियाँ ही होती थी, और यहाँ तो कोई माशाल्लाह बोल देता था तो मैं कहती थी सुभान अल्लाह। इवेंट प्लानिंग जिस तरह आप कर रही हैं अभी काम, तो इसमें आपको जैसे कि माल की कोटेशन वगैरह ऑर्डर देना या पार्टीज़ के पास जाना, यहाँ जाने के लिए आपको खुद ही जाना पड़ता है या आपने कोई रखा हुआ है अपने पास, कोई असिस्टेंट वगैरह? नहीं नहीं, सारी डीलिंग्स वगैरह मैं खुद करती हूँ पर्सनली कस्टमर से जाके, क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, डीलिंग ज़रूरी होती है, चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो उसके लिए मैंने कोई भी नहीं रखा बल्कि मैं खुद जाती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं कस्टमर के पास जाऊँ ना कि कस्टमर मेरे पास आए। और कस्टमर की वजह से आपका इतना एक
फैंसी सा काम है जिस तरह देखा जाए, क्योंकि इवेंट प्लानर है तो वो तो बड़ा किट शिट में है, अगर कोई लड़का है तो जी वो तो ऐसा दूल्हे जैसा ही बनकर आता है, और अगर कोई लड़की है तो फिर तो उसके मतलब समझ नहीं आप उसका लुक, उसका गेटअप बिल्कुल चेंज होता है। तो इसी आप गेटअप में जाती हैं या कुछ साइड पर जाने के लिए कुछ अलग वार्डरोब का इस्तेमाल करना पड़ता है? नहीं यार, मैं इसी गेटअप में जाती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ना सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ द लास्ट एक्सपीरियंस, जब आप सामने जाओगे उसको एक अच्छा फ्रेश मूड भी दोगे ना, तो वो ये देखेगा कि यार जब बंदी इतनी सेंसिबल है, इतने प्रॉपर वे में आई हुई है, उसने पूरा पर्दा किया हुआ है और अपनी लिमिटेशंस में आई हुई है, तो वो ये सोचेगा कि अगर बंदी खुद अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है वो इवेंट भी इतना अच्छा करेगी। बहुत किस तरह ये बाइक चलाती हैं, किस तरह ये बाइक पर कटिंगें मारती हैं, ये भी हमने इनकी ज़ुबानी जाना है, और किस तरह इनको हुटिंग का सामना करना पड़ता है। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि एक ये चीज़ रह गई है जो कि हम इनसे एक मैसेज लेना चाह रहे हैं अपने यंगस्टर्स के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनकी डाइवोर्स हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है उस क्रिटिकल सिचुएशन से वो गुजर जाती हैं और उनको उस चीज़ का सामना करना पड़ता है, और वो अपने आप को बेसब्र और मतलब दुनिया ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। चले आइए बात करते हैं इनसे और एक आखिरी मैसेज इनसे जानते हैं। फिरदौस जी, मुझे बताएं कि आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि कोई भी लड़की जिसका डिवोर्स हो गया है या वो विडो हो गई है या किसी भी वजह से वो सिंगल पेरेंटिंग की लाइफ गुजार रही है, मैं उसको यही बोलना चाहूँगी कि यार ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आती रहती है, आजमाइशें आती रहती है, खुदा आपको आजमाइशों से लेकर ही आसाइशों तक पहुँचाता है, तो ये आपकी आजमाइश है, इस पर खड़े होना सीखो। तलाक़ें हो जाती है, लोग बेवा हो जाते हैं, सेपरेटेड भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की ज़िंदगी से आप चले गए हो, वो आपकी ज़िंदगी से चला गया है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही, वो चलती रहती है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर ही चलेगी। तो हिम्मत करो, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रिवॉर्ड्स हो गई है तो आप घर में कैदी बनकर बैठ जाओ या फिर अपने आप पर चीज़ों को भारी कर लो, हावी कर लो, ऐसा नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं करो। तुम सबके लिए मैं एक छोटा सा शेर बोलना चाहूँगी, ज़िंदगी ने खेलना चाहा हम खिलाड़ी बन गए, ज़िंदगी ने खेलना चाहा हम खिलाड़ी बन गए, अगर खिलौना बनते तो तोड़ दिए जाते, तो खुदारा प्लीज़ खिलौना नहीं बनो और अपने आप में इतनी हिम्मत रखो, अपने आप पर फोकस करो, आज अकेले हो कल दुनिया तुम्हारे साथ होगी। थैंक यू। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हक पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।